जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे बहुत जल्द करने वाली है। इसका शेड्यूल भी भारतीय रेलवे जारी कर दिया है और किस तारीख को इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। साथ ही मैंने 2 से लेकर 4 दिन पहले पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत का परिचालन के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें कई लोग, सभी लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग उस पर कॉमेंट कर रहे थे ऐसा वीडियो मत बनाओ इसलिए कि चेयर कार वाली वंदे भारत को भारतीय रेलवे इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पर कभी नहीं चला सकती। लेकिन ऐसा हो गया है और जो भी भाई ऐसा कमेंट कर रहे थे उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जो भी वीडियो हम लोग बना कर डालते हैं वो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग फेक वीडियो बनाते हैं, उसका कुछ ना कुछ हम लोगों के पास जानकारी आता है उसी के तर्ज पर हम लोग बनाते हैं वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 24 तारीख को भारतीय रेलवे पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत यानी चेयर कार वाली वंदे भारत का परिचालन करने जा रही है, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण भारतीय रेलवे ने 24 तारीख को इसका इनॉग्रेशन नहीं कर पाई। लेकिन अब इसका सही टाइमिंग और शेड्यूल भारतीय रेलवे ने जारी कर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस वंदे भारत के बारे में देने वाला हूं कि कितने बजे कौन से स्टेशन पर आने वाली है और पटना और दिल्ली से दोनों तरफ से मैं आपको टाइमिंग बताने वाला हूं कि कितने बजे पटना से खुलेगी और कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली से कितने बजे खुलेगी और पटना कितने बजे तक पहुंचेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है उसका नंबर भी मैं आपको बता दूं, उसका नंबर 0222। नई दिल्ली से पटना के बीच भारतीय रेलवे चलाने वाली है। नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत जो चल रही है उसमें आपका समय लगने वाला है लमसम 11 घंटा 35 मिनट में आपको दिल्ली से पटना ये ट्रेन आपको पहुंचा देगी। 999 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन कवर करने वाली है। औसत गति की अगर हम बात 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, अधिकतम अगर बात करें तो 130 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से। अगर इस ट्रेन की दिन की बात करें कि किस दिन को इस वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे शनिवार 11 नवंबर को चलाने वाली है। अगर इस ट्रेन की स्टॉपेज की बात करें कि कहां कहां पर इस ट्रेन का ठहराव है, कानपुर 12:02 पर आएगी और 12:05 पर वहां से खुल जाएगी। प्रयागराज जंक्शन की अगर बात करें तो प्रयागराज जंक्शन पर 14:08 पर 14:10 पर इसका आगमन और प्रस्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की अगर हम बात करें तो 15:50 पर ट्रेन आएगी और 16:00 वहां से प्रस्थान करेगी। बक्सर इसका पहुंचने का टाइम है 17:15 पर आएगी और 17:17 पर वहां से खुल जाएगी। आरा जंक्शन की बात करें तो 18:08 पर वहां पर पहुंचेगी और 18:10 पर वहां से खुल जाएगी और पटना जंक्शन 19:00 पहुंचेगी। अगर पटना से नई दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन का नंबर होगा 02251 और इसमें भी आपका यात्रा समय यानी कि कितना समय लगने वाला है तो 11:30 में ट्रेन आपको वहां पटना से दिल्ली पहुंचाएगी। और दूरी की बात करें तो 999 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन कवर करने वाली है। औसत गति की बात करें तो 86 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसी प्रकार ये ट्रेन पटना जंक्शन से 7:30 पर खुलने वाली है। आरा जंक्शन 8:28 पर पहुंचेगी, 8:30 पर वहां से खुल जाएगी और बक्सर की बात करें तो 9:28 पर वहां पर पहुंचेगी और 9:30 पर वहां से खुल जाएगी। प्रयागराज जंक्शन की अगर बात करें तो 12:10 पर वहां पर पहुंचेगी और 12:15 पर वहां से खुल जाएगी, मतलब कि वहां पर 5 मिनट का इस ट्रेन का होल्टिंग। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर सेंट्रल 14:18 पर पहुंचेगी और 14:20 पर वहां से खुल जाएगी और इस ट्रेन का परिचालन वहां पटना से रविवार को 12 नवंबर से शुरू। मैं आपको बता दूं कि पटना दिल्ली जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है और दिल्ली से पटना के बीच जो वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है वो 11 नवंबर से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूजा स्पेशल वंदे भारत इसको छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेलवे चला रही है और सभी प्रीमियम ट्रेन में ज्यादा भीड़ और वेटिंग टिकट आने के चलते भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया है कि उस रूट पर वंदे भारत का परिचालन शुरू किया जाए। फिलहाल इसे 5 से लेकर 7 दिन भारतीय रेलवे चलाने वाली है, उसके बाद डिमांड को देखते हुए भारतीय रेलवे इस पर आगे भी फैसला ले सकती है। फिलहाल इसे पूजा स्पेशल के नाम से भारतीय रेलवे इस वंदे भारत को चला रही है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।